में डज आ गया, उन वाक्यों की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं आ सकता। यानी वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसको वापस फर्स्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा। वजह यह है कि ये जो एस है इसका ट्रांसफर हो गया है, यह एस यहां से ट्रांसफर होकर के डू में जुड़ गया है, और चूंकि डू के अंत में ओ आ रहा है इसलिए वहां जाते जाते इसने ई एस का रूप धारण कर लिया है। यह बात बताई आपको साधारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। एक बार टेंस का बच्चों आपको मोटा मोटा परिचय दूंगा और उसके बारे में टेंस की टेक्निक से आपको अपडेट करूंगा। आपको घबराने की कोई इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये ना सोचे। लेकिन मजबूरी दरअसल ये है कि मैं कोई टॉपिक अगर स्टार्ट करूंगा तो शुरू से एंड तक बताऊंगा, चाहे वो आपको आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि मैं चल रहा हूँ समष्टि को देख करके न कि व्यष्टि को देख करके। एक स्टूडेंट की बात हो तो कोई बात नहीं है, क्लास में सभी प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, कुछ कमजोर कुछ होशियार। ओके, तो देखेंगे आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये मोटा मोटा एक बार क्लियर हो गया है। अभी नियमों में कहा या एवरी डे वगैरह जो भी चीजें हैं वो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा विशेष नियमों के अंदर। दूसरी बात सुनो, इसके ठीक बाद में चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है देखना एक बार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको कहा था कि जिन वाक्यों के अंत में हिंदी में क्या आता है, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, कुछ बातें बोलता हूं उनको आप उसी वक्त लिख भी सकते हैं क्योंकि सारी बातें बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। तो सुने आप, मैंने कहा जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं या रहे का प्रयोग होता है, ऐसे हिंदी के वाक्य अंग्रेजी के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अंग्रेजी में वाक्य को पहचानने का तरीका क्या है, तो मैंने कहा था ऐसे वाक्यों में इज़ामार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। ऐसे वाक्यों में इज़ामार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। देखना आप, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूं, तब आपने कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ऐसा अगर मैंने कहा तो अंग्रेजी बनेगी आई।